Hey guys, welcome back to my channel Vivek Diaries. तो जिन लोग मेरे व्यूअर्स हैं सब लोग कुछ सवाल पूछ रहे थे, उस सब से मैं उसका जवाब अच्छे से दे नहीं पा रहा हूँ और उसका रेस्पॉन्स देके मैं अच्छे से वीडियोस बना नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से मैं थोड़ा सा तबीयत ख़राब है मेरा, तो उसी कारण से मैं बना नहीं पा रहा अच्छे से। तो सोचे कि आज छोटा सा ऐसे ही बना देता हूँ जो कि कुछ कुछ मेरे सवाल पूछे थे तो उनका मैं जवाब देना चाहता हूँ। मेरे जो पुराने व्यूअर्स हैं सब लोग जानते हैं कि ये मैंने न्यूबॉर्न क्लासिक 350 रेजिस ग्रे हैं, जो कि मैंने ये 2022 मई में मैंने ये बाइक खरीदी थी। और जिन लोग नए व्यूअर्स हैं उनको भी मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, जैसे कि ये मेरी बाइक जो है ये ऑलमोस्ट 1.5 साल कंप्लीट हो चुकी है और मैंने इसका 1 ईयर और 1.5 साल का भी मैंने एक्सपीरियंस बता चुका हूँ। फिर से दोबारा आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो पुराने वीडियोस हैं तो लोग अच्छे से देखते नहीं यार, ऐसे ही ऊपर से पूछते हैं कि भाई आपका ये बाइक का माइलेज क्या है, बाइक भाई आपका ये इसका बाइक का जो परफॉर्मेंस कैसी दे रही है, आप लोग अंदर जाके नहीं देखते। इसलिए मैं सोचा कि ठीक है यार, भाई लोग अंदर जाके नहीं देखते तो इसलिए मैं फिर से शुरुआत से एक वीडियो बना देता हूँ, जाके मैं ऊपर बता देता हूँ आप लोग, ताकि देखें और आप लोग जाने। और एक सवाल पूछ रहे थे कि बाइक का जो कलर्स के बारे में पूछ रहे थे बहुत लोग, कि कौन से कलर लूँ भाई, कि ये कलर लूँ मैं या ब्लैक में लूँ, या मैं उस कलर में लूँ, या ग्रीन में लूँ, या मैं इस आपके कलर में लूँ। बहुत लोग, लेकिन काफ़ी लोग, मुझे एक अच्छा लग रहा है कि लोग मेरे जो कलर है ये रेडिश ग्रे जो है बहुत लोग पसंद कर रहे हैं और उस हिसाब से लोग खरीद भी रहे हैं और मुझे लोग बताते कि भाई मैंने ये बाइक खरीदी है, परचेस करी है मैंने, तो मुझे बहुत खुशी होती कि भाई आप लोग मुझे इतने सपोर्ट कर रहे हैं कि आप लोग मेरे जो पुराने वीडियोज़ हैं वो देख के आप लोग मेरी बाइक का जो है कलर्स पसंद आई है आपको और आप लोग खरीद रहे हैं, आप लोग लॉन्ग राइड कर रहे हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी है। आप लोग जब भी लॉन्ग राइड करेंगे तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं कि आपका लॉन्ग राइड का जो एक्सपीरियंस है कैसी लग रही है, आप लोगों को मुझे बता सकते हैं जो आपका एक्सपीरियंस है सकते। तो वैसे तो इस बाइक पे तो मेरी लॉन्ग राइड बहुत करी है मैंने, बहुत सारी करी, अभी रिसेंटली मैं फिर करने वाला हूँ लेकिन मुझे अभी फुर्सत नहीं मिल रही करने का, तो वही चल रही मेरे साथ, इसलिए मैं अच्छे से बना भी नहीं पा रहा हूँ, लॉन्ग राइड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन लॉन्ग राइड करेंगे जल्दी और आपको भी लॉन्ग राइड का जो मज़ा है वो बताएंगे, आपको एक्सपीरियंस बताएंगे अच्छे से। तो कलर में अगर मैं बताऊँ तो अगर लोग जैसे कि जिस हिसाब से पूछते एक क्वेश्चन सवाल पूछ रहे थे कि कौन सा कलर में लूँ, देखिए कलर में कोई वो बात नहीं है, आप कोई भी कलर ले सकते हो, लेकिन कलर्स में आपका प्राइजेस कुछ थोड़ी सी डिफरेंस हो सकते हैं, जैसे कि आपका अगर आप थोड़े से दूसरा कलर लेने से जैसे स्टेलर ब्लैक लेना चाहते हो या फिर कुछ अलग कलर में जाना चाहते हो तो उसका थोड़ा प्राइजेस हाई हो जाता है। और ABS के बारे में पूछे थे कि ABS आपका इसमें हम बिल्ड कर सकते हैं, ABS लगा सकते हैं कि नहीं, हाँ आप लगा सकते हो लेकिन उसमें भी खर्चा कुछ अलग ही खर्चा होगा, उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। मैंने पूछा था एक बार डीलर में कि अगर हम ABS को भी अगर चेंज कराए, जिसके मेरी सिंगल ABS है, अगर मैं डुअल ABS में इसको कन्वर्ट करूँ तो कुछ, तो बताया था कि हाँ जी पॉसिबल है, अगर डुअल ABS लेना ही चाहते हो तो आप सीधा ही खरीद लीजिए, आप सिंगल ABS के लिए वेट मत करिए, डुअल ABS के लिए वेट करिए। अगर आपका डीलर्स में अगर डुअल ABS का आता नहीं है तो आप थोड़ी सी वेट कर लीजिए और डुअल ABS ही आप ले लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा लेना चाहते हो। और वैसे तो बाय द वे मुझे सिंगल ABS मुझे कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आ रही है, तो इसलिए मैंने ये बाइक्स मैं बहुत सारी से एक्सपीरियंस बताया, मैंने ABS के ऊपर बताया, डुअल ABS के बारे में बताया मैंने, तो मुझे अभी जितना भी मैं लॉन्ग राइड करी है मैंने और जितनी भी ऑफ रोडिंग करी है तो मुझे उसमें कोई तकलीफ नहीं मिल रही है, ब्रेकिंग सिस्टम में मुझे कोई इश्यूज़ नहीं आ रही है यार, जब भी मैं ब्रेक्स अगर मैं प्रेस करता भी हो तो मुझे ऐसा कोई स्कीड अगर होता भी हो तो मैं गिरता नहीं हूँ। स्कीड आप अगर जोर से जाते हो स्पीड में जाओगे, जब साइड में जो होते हैं ना जैसे कि पत्थर बालू होते हैं, गिरा रहता है, तो वहाँ पे आप ब्रेक्स ज़्यादा अच्छे से ध्यान से ही दबाइए, वरना आप स्कीड होने का चांसेस बहुत रह सकता है, तो वो चीज़ आपको थोड़ी सी मायने रखना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा उसमें नज़र देना पड़ेगा आपको। और कलर्स में जिसकी मैं फिर से बताया कि कलर्स में आपको डिफरेंस वैसे क्या है, और आप कलर्स आपके ऊपर चॉइस है वो आप कौन सा लेना चाहते हो, ठीक है, तो कमेंट्स में मैं भी वही रेस्पॉन्स देता हूँ कि भाई आपका अगर ये मर्जी है तो आप ले सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, थोड़ा सा पैसा थोड़ा सा आपको थोड़ा ज़्यादा देना पड़ सकता है वैसा है। और ऐसे बहुत सारे मैंने वीडियोस बनाए, अभी रिसेंटली मैंने बुलेट का ही बनाया, बुलेट लोग और एक पूछ रहे थे सवाल पूछ रहे थे कि बुलेट भाई बुलेट लू, नया बुलेट लू या मैं न्यू क्लासिक न्यू वन क्लासिक 350 वो लू, तो वो आपके ऊपर चॉइस है, वो आपको कौन सा कंफर्टेबल लगा एक बार टेस्ट राइड करिए। देखिए गाइज, अगर आप लोग जो भी बाइक लेंगे तो आपको एक बार देखिए, मैं नहीं चलाऊंगा आप चलाओगे, तो इसलिए आपका जो कंफर्टेबल है वो आपको एक बार डीलर में जाके आप टेस्ट राइड कराइए, टेस्ट राइड करके आपको जो पसंद है वो आप ले सकते हैं। वैसे तो मैंने उनको वही बताया कि यार न्यू वन क्लासिक 350 में ही जाओ यार, गो फॉर इट, तो उसने बोले कि ठीक है भाई गो, मैं न्यू वन क्लासिक 350 में ही जाना चाहता हूँ,
तो आप उसी में जाइए। अगर कोई बुलेट लेना चाहते हैं, मन से दिल से लेना चाहते हैं, तो बुलेट में जा सकते हो। बुलेट भी यार अभी जो रिसेंटली बुलेट जो बनाई है मैंने, जो वैसे ब्लॉग्स मैंने बनाई है, तो बुलेट भी यार बहुत मस्त है। मैं इसका नीचे आपको एंड स्क्रीन में मैं दे दूंगा, बुलेट में आपके जो डेली बुलेट का जो नया लॉन्च हुआ है वो आप उसमें आप जाके देख सकते हैं। उसका जो स्टाइल्स की लुक जो न्यू लुक है बहुत मज़ेदार है यार। तो ये गाइस अगर कुछ और भी कुछ डाउट्स रहता है कुछ पूछने का तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको जो जो सच है वही बता दूंगा, आपको रेस्पॉन्स दे दूंगा उसका, या तो फिर मैं उसका फिर दोबारा मैं आपको ऐसे ही वीडियोज़ बना के आपको मैं आप तक पहुँचा दूंगा। तो गाइज ठीक है, और जिन लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर करिए। कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी सवाल हो, या कोई लॉन्ग राइड के बारे में पूछना चाहते हो, या अभी ठंडा मौसम आ रहा है, विंटर आ रहा है, तो आप कहीं घूमना तो चाहते हो तो टेंट वेंट लगा के आया, तो उसके बारे में मैं आपको अवेलेबल में डिटेल्स बता दूंगा कि नॉर्थ ईस्ट में कहाँ का जाने का जगह है। मैं नॉर्थ साइड का बता नहीं पा रहा हूँ, जो हमारी नॉर्थ ईस्ट का बता रहा हूँ उस चीज़ का बता रहा हूँ। अब अरुणाचल हो, नागालैंड हो, या अभी तो जीरो फेस्टिवल भी चल रहा है अभी अरुणाचल प्रदेश में, तो बहुत सारी डिटेल्स को बता सकता हूँ। अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो ठीक है, लास्ट तक बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही प्यार देते रहिए। और अगर आप लोग न्यू बॉर्न ट्रिप लेना चाहते हो ना, तो गाइस चाहिए ले लीजिए और टेस्ट राइड करिए। जो भी कुछ बाइक लोगे ना गाइस, तो एक बार टेस्ट राइड तो जरूर करना यार। ठीक है, सो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।